गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फिफ्थ क्लास का हिंदी पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कांच का छाता। जैसे छाते का आविष्कार चीन में हुआ था, छाते बनाने का तत्पर केवल धूप से बचना था। पहले जमाने में जब राजा महाराजा अपनी सवारी लेकर निकलते थे, तब उन्हें धूप से बचाने के लिए छाते का प्रयोग करते थे, जिसे छतरी या छत्र कहा जाता था। धीरे धीरे धूप के साथ साथ बरसात से बचने के लिए भी इसका प्रयोग होने लगा। इस पाठ में एक रिपू है और रिपू के एक दादाजी हैं, वो वैज्ञानिक कार्य पर आविष्कार कर रहे हैं। उसके दादाजी पिछले 2 वर्षों से कमरे में बंद रहते हैं, कोई काम लगता है तो बाहर आते हैं, फिर अपने को कमरे में बंद कर लेते हैं। रिपू छोटा बच्चा है तो उसको वहाँ जाने की इच्छा होती है कि हम भी क्यों ना कमरे में जाएँ, लेकिन उसको सब कोई मना करता है कि इसमें नहीं जाना है। रिपू के दादाजी बताते हैं कि मैं कोई आविष्कार पर कार्य कर रहा हूँ, इसमें आपको नहीं आना है। से ये विज्ञान हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, या उसके प्रयोग पर ही निर्भर है। लेकिन रिपू छोटा था, मानता नहीं था। एक दिन रिपू के दादाजी का फोन आया। फोन रखते ही उन्होंने अपना सारा सामान एक बक्से में डाला और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जाते जाते बस इतना कह गए कि 2 दिन में लौट आऊँगा। दादाजी के जाने के बाद रिपू झट से उस कमरे की ओर भागा कि दादाजी का कमरा देखना चाहता था, तो उसकी माँ ने देख लिया और उसमें ताला बंद कर दी। फिर शाम को 7 बजे रिपू की माँ को फोन आता है उसके नानी घर से कि नाना जी का तबीयत खराब है, यहाँ आ जाओ। रिपू का दूसरे दिन परीक्षा रहता है, इसलिए उसकी मम्मी उसके नाना के घर चली जाती है और बोलती है कि आप घर को संभाल के रखना और अच्छी देखभाल करना। उसकी माँ भी चली गई, अब रिपू अकेला बच गया। रिपू सोचता है कि दादाजी के कमरे की तरफ गया, देखे दादाजी के कमरे में क्या है। लेकिन वो कमरा देखते ही मायूस हो गया, निराश हो गया, कारण कि वहाँ ताला बंद था। तो खिड़की के तरफ गया तो ऐसे धक्का दिया तो अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं था, बस खुला था, तो खिड़कियों के सहारे अंदर चला गया। वो सोचा कि दादाजी का नया आविष्कार यहीं छिपा होगा। देखे वो नज़र उठाकर देखता है तो एक अलमारी के किनारे छाता पड़ा हुआ था, वो नीला चमक रहा था। उस पर 3 बटन लगे हुए थे, एक सूरज का, एक बरसात का, एक बर्फ का। वो छाता उठा लिया और छाता उठाकर बाहर फैला दिया। देखिए इस तरह से वो छाता उठाकर छाता को खोल दिया। जैसे ही छाता खोला तो उस पर वर्षा का चित्र बना हुआ था, उसी को बटन उसका दब गया तो बिजली के कड़क के साथ हल्की फुल्की बरसात होने लगी, हवा भी चलने लगी। अब वो सोचता है कि एक मई के माह में राजस्थान में बरसात कैसे होने लगी, उसको मज़ा आने लगा। फिर थोड़ा सा और दबा दिया तो उसको और ज़्यादा मज़ा आने लगा कि कल मेरा परीक्षा है, ज़्यादा बरसात कर देता हूँ कि मुझे कल परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा। थोड़ा सा और तेज़ कर दिया, बरसात बहुत होने लगी। बरसात इतना हो गई कि सारा रोड, नाला, गली, माने सब भर गया, यहाँ तक कि उसका घर भी पानी से भर गया, बहने के कगार पर आ गया। अब उसको बंद करने तो आता नहीं था, वो मैंने बंद कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। वो बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी छाता बंद नहीं हुआ। फिर वो क्या किया कि उस पर जो बर्फ़ का बटन दबा बना हुआ था उसको दबाया तो सारा पानी बर्फ़ में बदल गया, उसको सांस में सांस है। जब बर्फ़ में बदलते ही उसको सर्दी ज़्यादा लगने लगी, वो ठिठुरने लगा और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसका नज़र गया कि एक सूरज का चित्र बना है तो उसको दबाया। इसी तरह वो फिर तो गर्मी आ गई, फिर वो क्या किया इस पर काबू रखने के लिए टेलीविज़न का रिमोट उठाया और उसको दबाया तो टेलीविज़न पर मैंने समाचार आ रहा था कि इस शहर में बरसात हो रही है, बिजली डूबने के कगार पर है। वो अब सोच रहा था कि मैं दादाजी के बात मान लिया होता, दादाजी बता रहे थे
कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है। दादाजी का बात नहीं माना, इसीलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। वो रात भर क्या किया कि बटन को बराबर माने पारा पारी दबाते रहा, एक एक करके, कभी धूप का दबाता यानी सूरज का, कभी बरसात का, कभी बर्फ़ का, तो इस तरह से मौसम चेंज होते रहा। लेकिन पूरे शहर के लोग घबरा गए, अफरा तफरी मच गई कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। सुबह और सोच रहा था, सुबह हो चला था, उसका हाथ भी थक गया था कि अगर सोच रहा था कि मेरे दादाजी आ जाते तो कितना अच्छा हुआ होता। तब तक उसके दादाजी आ गए, उन्होंने जाकर दादाजी से माफ़ी मांगा, फिर उसके दादाजी ऊपर से पकड़ के छाता को बंद किए और दादाजी से मिलकर बहुत रोने लगा। उसके दादाजी बोले कि रो मत, चुप हो जा, मैंने मना किया था ना कि इस छाते को मत छूना, क्या विज्ञान इस माने वरदान होता है या अभिशाप, माने या एक तरफ से तो हानि भी होता है तो दूसरे तरफ फायदा भी होता है विज्ञान से। फिर क्या था, उसके दादाजी बताए कि मैं इसी विदेश से इसका जो बना रहा हूँ तो उसी का कुछ सामान लेने गया था कि जो हमारे नियंत्रण में रहे, उसके बाद भी यह हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप या उसके प्रयोग पर निर्भर करेगा। इस बार रिपु ने अपने दादाजी के ब्याते सुनने के साथ साथ समझ भी रहा था। थैंक यू बच्चों, जैसे बड़ों को बात माननी चाहिए, जो कुछ भी बड़े कहते हैं भलाई के लिए कहते हैं। ओके।